अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हमें अपने सब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, किस ग्रुप्स में से कितने लोग कितने हम सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो ये सिलेबस मैंने निकाला हुआ, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2016 में चेंज हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे और ग्रुप्स उन्होंने चेंज किए थे। तो ये शुरू में जो है सारी लिस्ट दी हुई है, उसकी आगे उन्होंने फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये आपके 6 कंपलसरी आ गए, 200 नंबरों का 600 मार्क्स हैं ये। इसमें से हर में से आपने 40 नंबर लेने हैं टू क्लैरिफाई दिस, ठीक है ना। अगर आप इनमें से 40 नंबर नहीं लेंगे, एसए में से 40 नंबर लेने हैं, प्रेसी में से 40 नंबर लेने हैं, ये जो तीन आपके हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इनको इनको कहा जाता है जनरल नॉलेज ग्रुप। जनरल नॉलेज ग्रुप के 300 नंबर हैं, इसमें से आपने किसी तरह से भी कॉम्बिनेशन बना के 120 लेने हैं। 120 लेने का मकसद यह है कि आप जनरल साइंस में अगर 80 ले रहे हैं और करंट अफेयर्स में आप 40 ले रहे हैं, तो पाकिस्तान अफेयर्स में अगर आपका 0 भी आए तो आप क्लियर कर जाएंगे। आपके नंबर ओवरऑल कम बनेंगे, लेकिन 120 आपने किसी तरह इस कॉम्बिनेशन 300 में से लेना है। लेकिन मेरा आप सबको मशवरा यही है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अपना 80 टारगेट रखें, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में 50 प्लस मिनिमम टारगेट रखें। मैं तो कहता हूँ 60 रखें, 60 का एम करें, उस लिहाज से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नंबर बने। इस्लामियात में भी 60 to 65 नंबर आपके आने चाहिए। नीचे आ जाते हैं आप कंपलसरी ऑप्शनल में। देखिए ऑप्शनल्स का उसने ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। अब 600 नंबर इसमें से उसने बताया हुआ है कि आपने इसमें से लेने हैं, 600 नंबर आपने कंप्लीट करने हैं किसी तरह से भी। उसने फिर ग्रुप में से कहा हुआ है कि टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है 200 नंबरों का इस ग्रुप में से, ठीक है। इस ग्रुप में से भी उसने कहा है टू सब्जेक्ट या वन टू सिलेक्ट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स कॉमा एस, उसने इन ब्रैकेट करके एस जो लगाया है, इसका मतलब है आप दो भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये इसमें 100-100 के भी होंगे, इसमें सारे 200 के थे, इसलिए उसने कहा एक 200 का चूज कर लें इसमें से, ठीक है। तो 200 नंबरों का आप इसमें से ले सकते हैं। फिर तीसरे ग्रुप में इसी तरह टू सिलेक्ट वन ऑफ 100, अब इसमें से सिर्फ 100 का एक आप लेंगे, ठीक है। टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 ओनली, इसमें से 100, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 5 है, फिर ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है। अब ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ये ज्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू जो आपके मार्क्स हैं, क्योंकि 100, 100, 200, 300, 400, 500, ये 700 यहाँ हो गया और 900, ये तो 900 बन रहे हैं, हमने जो 600 सेलेक्ट करने हैं। तो 600 नंबरों का कॉम्बिनेशन फिर इस तरह बनाते हैं कि कोई ना कोई दो एक ग्रुप्स या एक ग्रुप आपका एक्सक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे इंटरनेशनल रिलेशन था, 200 नंबर मैंने यहाँ से चूज किया, इस ग्रुप में से मैंने कोई चूज नहीं किया, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए अलग से हम रखेंगे, लेकिन यह है कि इसमें से फिर मैंने नहीं सिलेक्ट किया था कोई। 200 नंबरों को मुझे लग रहा था कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म, इन दोनों में से जो है ना, ये जो आपके ज्यादातर लोग हैं वो इनको लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में कोई ऐसी बात नहीं है, आप दूसरे भी ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस रख के बहुत सारे लोग मेरे साथ जो अपीयर हुए उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो ये फिजिक्स भी अच्छा फिर दे जाता है, इसलिए इन चीजों पे नहीं जाना, आप अपने लिहाज से चूज करें, अपनी स्ट्रेंथ देखें। खैर 200 नंबरों का मैंने इसमें से चूज किया, ये पूरा ग्रुप एक्सक्लूड कर दिया, तो 200 नंबर मेरे हो गए। फिर ये अगला ग्रुप आ गया, इसमें से मैंने 100 नंबर का ये चूज किया था, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर ही चूज कर सकते थे, इसमें ग्रुप 3 में लिखा हुआ है, ग्रुप 3 में से मैंने 100 मार्क्स का ये चूज कर लिया। फिर ग्रुप 4 में से मैंने हिस्ट्री में से हिस्ट्री ऑफ यूएसए रखी, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये ग्रुप 4 है जिसमें से मैंने एक सब्जेक्ट रख लिया। अब मेरे कितने कंप्लीट हो गए हैं, 200 ये हो गए और 200 वो, 400 ये हो गए, 200 रह गए। अब मेरे पास ऑप्शन थी 5, 6, 7 में से मैं किसी एक ग्रुप को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 300 है ये और मैंने 200 के सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने इस ग्रुप में से इन्वायरमेंटल साइंस रखी और इस ग्रुप में से इंटरनेशनल लॉ रखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस ग्रुप में से ग्रुप 7 और ग्रुप 2, ये दोनों मैंने एक्सक्लूड कर दिए। तो ये इस तरह करके आपने करना है। हो सकता है काफी सारे लोग हैं जिनके 400 नंबर जो है पहले दो ग्रुप में से पूरे हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस रखा और नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री रखा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, 400 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए, अब 100-100 नंबरों के दो उन्होंने और चूज करने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये ग्रुप के ऊपर मेंशन है सिलेबस में कि आप कितने इस ग्रुप में से ले सकते हैं, तो इस बात पे कंफ्यूज ना हो। चले मैं इधर ये बता देता हूँ कि तीन चीजें चेक करनी होती हैं जब आपने उसको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को। पहला, उसका सबसे पहले मेरे ख्याल में इंटरेस्ट देखना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती,
आप पूरी ये लिस्ट निकालें, इसमें से देखें कि कौन कौन से आपसे हो सकते हैं, ठीक है। आप वो एक टीचर के पास ले जाएं, या सीएसएस खास तौर पे मेरे लिए, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, या कोई क्लियर किया हुआ जिस बंदे ने, उसके पास ले जाएं, उससे कहें सर मेरा ये कॉम्बिनेशन है, इस पे थोड़ा सा मुझे गाइड कर। सबसे बेस्ट तो ये है अपने मेंटोर के पास जाएं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली, कंपल्सरी में जिसको आप फॉलो करते रहें, वो आपके एप्टीट्यूड को शायद जानता भी हो, तो वो आपको बता देगा कि इनमें है। अब देखें बात यह है, इंटरेस्ट आपका अपना होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं लेके जाना आपने, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ना चेक अपने सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट, वो जो आपको कॉम्बिनेशन बता दे उनकी बुक्स निकालें। बुक्स आगे दी गई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जिस तरह अकाउंटेबिलिटी का चले हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी अकाउंट्स की ये बुक्स दी हुई है, सजेस्टेड रीडिंग्स, इनमें से कोई एक आप पीडीएफ अपने गूगल पे जाएं, इसका नाम लिखें, पीडीएफ आगे लिखेंगे इस नाम के आगे, तो वो पीडीएफ आपको कोई ना कोई मिल जाएगी इनमें से, बुक में से। उनमें से कुछ 15-20 पेजेस पहले प्रिंट कर लें, ठीक है। 2-3 बुक्स इस तरह किसी भी एक सब्जेक्ट की आप निकालेंगे, आप 20 से 25 उसके सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, पेजेस पढ़ेंगे पहले, इंट्रोडक्टरी पेजेस, और आप उसकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देख लें, फिर उसका कंटेंट देख लें, फिर अपना सिलेबस देख लें, तो इस तरह करके आप अपना एप्टीट्यूड जज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो इसमें 2 से 3 दिन मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट को चूज करने में, दौड़ नहीं छोड़ना उन दिनों में, और इंग्लिश नहीं छोड़नी, ठीक है। करंट अफेयर्स और इंग्लिश जो मैंने बताया था थ्रू आउट चलना है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इस पे 2 से 3 दिन आप लगाएं इस एक्सरसाइज को जो मैंने बताया, कि आप अपने सब्जेक्ट चूज करें, अपने बंदे के जो कोई आपका है मेंटोर उसके पास जाएं, या किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको बता दे कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा है, तो कॉम्बिनेशन फिर सिलेक्ट करके उसकी बुक्स थोड़ी सी निकालें, उनको थोड़ा सा रीड करें, आपको अपना एप्टीट्यूड का अंदाजा होगा। फिर दूसरी बात जो देखने वाली होती है वो होता है कि उसका मार्किंग ट्रेंड क्या है। मार्किंग ट्रेंड आपको अकेडमीज भी बता सकती हैं, आपको इस पेज से भी इंशाल्लाह हम बता देंगे, अभी इंशाल्लाह रिजल्ट भी आने वाला है, तो मार्किंग ट्रेंड। और तीसरा, आपके पास अगर कोई अच्छा अवेलेबल टीचर हो उसका, या आपके पास ऐसा कोई गाइड अवेलेबल हो जो आपको आसान कर दे रास्ता, क्योंकि सीएसएस का आईआर का सिलेबस ही जब मैं लेकर गया था पढ़ने के लिए, मैं इधर इस्लामाबाद आया, सिर्फ मैं प्रोफेसर से मिलने आया था, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो आपका कोर्स है वो हम 4 साल में नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना, तो आईआर का कोर्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ यही आपकी डिग्री से ज्यादा है जो आईआर के अंदर होती है, तो आपने आपने स्कॉलर नहीं बनना, आपने डिग्री नहीं लेनी, आपने तो पेपर हल करना है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए अच्छी, वो जरूरी है। तो आपके लिए ऐसा गाइड होना चाहिए जिसने पहले उस सब्जेक्ट को किया हुआ है, स्कोर अच्छा किया हुआ है, वो आपको आसानी पैदा कर देगा आपके लिए, आपका जो है 15-20 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट हो सकेगा। खुद भी ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप यूट्यूब पे देखें वीडियोस अगर आप घर बैठ के करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिस्की हो जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए इतने ज्यादा, ऐसे की गाइडलाइन और ऑप्शनल की थोड़ी बहुत गाइडलाइन जो है हमें ले लेनी चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो काम आएगी, मुझे जरूर इस पर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।